Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. तो guys, कैसे आप लोग हो? कौन सा बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। अरे तुम लोग भाग क्यों रहे हो अंदर? देखो गाइज, वो हेलमेट लेने गए हैं अपना। तो गाइज, आप लोगों ने आज का थंबनेल रेडर तो देख ही लिया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट मोटर आर के व्हील कवर की। तो इसमें हम लोग डालेंगे व्हील कवर, देखते हैं कैसा लुक आता है। अभी देख सकते हैं स्टॉक लुक कुछ ऐसा है, और लगने के बाद देखते हैं कैसा लुक आता है। और आप लोग बताइए गाइज, एंगल कैसा है, आवाज़ कैसी आ रही है? क्योंकि मेरे को लग रहा है मैंने जब नया सेटअप किया है तो आवाज़ थोड़ी सी बेटर हुई है। बाकी देखते हैं, अभी चला के आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग का आवाज़ आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ये रहा गाइज, एक मिनट दिखाओ, ये रहा गाइज, चढ़ जाओ मेरे ऊपर। तो गाइज, ये रहा प्रो डिस्क, हमारा डिस्क कवर। तो इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और रियर व्हील के लिए है ये, आप लोग देख सकते हैं एक पेयर है। तो पकड़ो, चलते हैं अभी वहीं पे, आप लोगों को अनबॉक्सिंग इंस्टॉलेशन सब दिखाएंगे। अभी सीधा चलते हैं वहीं पर ही। अरे अरे गाइज, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने लोकेशन पे। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू हो रहा है। यहाँ पे ग्रीनरी थोड़ी सी ज़्यादा है तो मेरे को अच्छी लगती है, ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा तो इसलिए अच्छी लगता है, तो यहाँ पे मैं आया हूँ। बाकी देखते हैं गाइज, ये रहा हमारा। अबे आओ ना, अनबॉक्सिंग तो करवाओ। तो गाइज, ये देख सकते हैं, मैंने आपको पहले दिखा दिया 17 इंच व्हील की आता है। अगर आपका 17 इंच व्हील है तो उसमें नहीं लगेगा, मतलब 17 इंच नहीं है तो नहीं। तो गाइज, ये रहा आपका मेन डिस्क जो दोनों साइड से लग जाएगा। उसके बाद हमारे जो टूल्स वगैरह आते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा गाइज टूल्स, ये सब हैं इसमें। रियर व्हील इसमें लिखा हुआ है, चार आपको वो मिलती है जिप टाइज, और ये आपको बोल्ट मिलते हैं जो तीनों में लग जाएंगे। बाकी एक आता आपका, अगर मैं आपको ना सिखा पाऊँ ठीक से तो आप इसमें पढ़ सकते हैं कि कैसे लगता है कैसे नहीं। वैसे मैं आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, चलिए फिर इसे अप्लाई करते हैं और इसे पकड़ो। खुलेगा कैसे बे? अप्लाई करते हैं। ओके भाई, ये कूड़ा हम लोग लेके जाएंगे। ये नोजल तो ये कब तक आता है? यहाँ पे आना चाहिए। देख आ गया, थोड़ा सा थोड़ा, नहीं नहीं सही, ठीक है ठीक है, लेगा भाई। सही लग रहा हूँ, नहीं लग रहा भाई? गाइस देखिए, आप ये लगाना बहुत आसान है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर से निकालना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल इधर से निकल जाएगा और इधर वाला तो वैसे भी डल जाएगा, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं लगाने की। अभी आइए इधर, उधर से पकड़, इधर वाले से पकड़। तो गाइस, आप लोग DIY कर सकते हैं, मतलब खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहर किसी से मदद लेते तो ज़्यादा सही है। तो पैर में भी चोट लगी है। हाँ, मेरे पैर में भी चोट लगी है, वरना सारे काम मैं खुद ही करता हूँ, आप लोगों को पता ही है। ओके तो गाइस, ये रहा नट बोल्ट, इसे लगाते हैं हल्के हल्के। देखो ये एक तरफ से जाएगा, वॉशर डाल पहले। हाँ, वॉशर डाल दिया। गाइस, पीछे आप लोग देख सकते हैं लग चुका है, कितना ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो अभी हमने कुछ ज़्यादा टाइट नहीं किया है, और थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत तो प्ले आएगी, वो सही भी है, ज़रूरी भी है प्ले आए। बाकी देख सकते हैं आप लोग, लग चुका है हल्के से, और चलने के बाद कुछ ऐसा लुक आता है। एक बार मैं घुमा के लेके आता हूँ, रोलिंग शॉट डाल दो ना।
फाइनली हम लोगों ने लगा दिया है व्हील कवर, आप लोग देख सकते हैं। मैंने पहले आपको दिखा दिया है, पर एक बार मोटो ब्लॉग में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि कैसा लग रहा है। थोड़ी सी गाइस तबीयत ख़राब हो गई है, हल्की सी हुई है तबीयत ख़राब, वो ज़्यादा नहीं है, बट एकदम से गाइस आए हाय कांटे हैं तो एकदम से सही से बैठा है, आप लोग देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ऑरेंज व्हील के साथ ब्लैक में, बट निकल के तो आ रहा है लुक। बाकी एक बार चलते हुए भी शॉट्स ले लेंगे, वो आप लोगों को मैं आगे दिखा दूंगा। बाकी मतलब एकदम परफेक्ट बैठा है, आप लोगों को कुछ करना है नहीं है लगाने के लिए, मैंने आपको पहले बता दिया। ये आपको सब चीज़ मिलेंगी एक साथ ही, और दो वॉशर लगाने हैं उधर दोनों तरफ, और बोल्ट लगा देना इसका इनर बोल्ट ये रहा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आराम से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये लॉक नट है तो आखिर में आके खुद ही लॉक हो जाते हैं, तो आप लोगों को उतना टाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इससे ये रहेगा कि खुलेंगे नहीं आपके बार बार, तो वो चीज़ एक मेरे को अच्छी लगी। बाकी आप लोग देख सकते हैं लुक, और फाइनल लुक तो भाई बहुत प्यारा आ रहा है, मज़ा आ गया भाई। मैं थोड़ा डाउटफुल था, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं इसको लेके थोड़ा सा डाउटफुल था कि अच्छे लगे ना लगे, बट एट लास्ट लुक प्यारा निकल के आया। पता नहीं मेरी गाड़ी लंबा सेल्फ क्यों ले रही है, लंबा सेल्फ ले रही है, इसके चक्कर में हल्की सी दिक्कत है। गाइस आप लोग बताइए आवाज़ कैसी लग रही है आपको, भाई एक पटाखा मारा इनने बहुत प्यारा सा। हाँ तो अच्छी बात है ना, कंटेंट मिलता ब्रो। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, गिर जाता बेकार हो जाता। तो गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे कैसा लग रहा है, उधर घुमा ले रहे, घुमा ले रहे पहले, अरे उधर घुमा ले रहे, घुमा ले रहे। हल्का सा गाइस बर्नआउट हो गया, मैंने सोचा था उठाऊंगा, बाकी आप लोग सामने से लोग देख पा रहे होंगे कैसा लग रहा है। भाई साहब बंद करके भी भाई उनने हाथ लगा दिया, मेरे को लग रहा हाथ ना आ रहा हो, तो कैसा लग रहा है गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए गाइस कैसा लग रहा है। और उसने भी लियो विंस लगा दिया, बताइए आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा आप लोगों को ये प्रोडक्ट। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग प्रोजेक्ट मोटर आर्ट पे हिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम नीचे मैं डाल दूंगा उनका और कॉन्टैक्ट भी डाल दूंगा, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर ऑर्डर करिए, बढ़िया चीज़ है, मेरे को लगा कि यहाँ कुछ यूनिक है, तो यूनिक अपनी चीज़ों यूनिक अपनी गाड़ियों में डालना भाई बहुत अच्छा लगता है मेरे को, यूनिक चीज़ें डालना, तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा, बाकी चलिए इस वीडियो में रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।